काले दौर में आतंकवाद का शिकार हुए सूबे के पूर्व मंत्री जोगिंदर पाल पांडे की 32वीं बरसी पर संधू नगर सिविल सिटी में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। समागम की अगुवाई उनके बेटे व विधायक राकेश पांडे ने की। शहीद पांडे जी का जीवन हमेशा लोक सेवा नूं समर्पित रहा है। तो उसे रस्ते के उपर चलते हुए साड़ी कोशिश है, जिस तरह की तुसीं देखिया असी ब्लड डोनेशन और मैडिकल कैंप लगाया और बच्चों के वास्ते भी देख चैकअप सारा चल रहा है। इस दे नाल नाल ही असी साडे बजुर्गों नूं जिहड़ी दफ्तर दे विच मुश्किल आउंदी है, को आधार कार्ड बनाउण दी, को उहनां दी पेंशन दी, उस दे कैंप भी अज इत्थे लगा के असी उस सहूलत उहनां नूं तक पहुँचा रहे हाँ। क्योंकि पंजाब सरकार असीं इह कहना चाहांगे जिहड़ा अज इत्थे बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन और नाल जिहड़े राशन कार्ड का ब्लड डोनेशन कैंप फ्री मैडिकल चैकअप कैंप है, जिहड़ा इह जोगिंदरपाल पांडे जी दी जिहड़ी सोच सी, अज उहनां दे सपुत्तर श्री रिकेश पांडे जी और दुष्यंत पांडे जी वल्लों जिहड़ा सानूं उहनां ने जो प्रेरणा दित्ती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।